मोस्ट वेलकम गाइस, आज हम आपको एक ऐसी संख्या पढ़ाने वाले हैं जो स्टूडेंट को याद करने में बहुत ही तकलीफ होती है, उनको रटना पड़ता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं हम आपको पूरा क्लियर समझाएंगे, उसके बाद आप आसानी से उसको लर्न कर सकते हैं। तो हम वो संख्या है हमारा गोल्ड संख्या, स्वर्ण संख्या जिसे कहते हैं। गाइस अगर हम बात करें स्वर्ण संख्या की, तो स्वर्ण संख्या समझने के लिए हमें तीन ऐसे फैक्टर को समझना पड़ता है, तब हम स्वर्ण संख्या को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला कौन सा है, द्रव विरोधी संख्या, द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड जो होता है, यहाँ पर गोल्ड सॉल माना जाएगा। विद्युत अपघट NaCl को लिया जाता है। रक्षी कोलाइड जो होता है वो द्रव स्नेही कोलाइड होती है। आप जानते हैं कि दो प्रकार के कोलाइड होते हैं, एक द्रव विरोधी कोलाइड, एक द्रव स्नेही कोलाइड। अब देखिए यहाँ पर क्या मैटर होता है कि यदि हम द्रव विरोधी कोलाइड में, जो कि यहाँ पर गोल्ड सॉल लिया गया है, उस विद्युत अपघट को मिला देते हैं, तो इस द्रव विरोधी कोलाइड का क्या हो जाता है, अस्कंदन हो जाता है। इसी अस्कंदन को हमें रोकना है कि NaCl की मात्रा को हम NaCl को हम इस द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा क्या हो, इस द्रव विरोधी कोलाइड का अस्कंदन ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, रक्षी कोलाइड यानी द्रव स्नेही कोलाइड को इस द्रव विरोधी कोलाइड यानी गोल्ड सॉल में मिलाते हैं। तो ये हमें पढ़ना है कि इतना बातें तो आपको क्लियर हो जानी क्या चाहिए कि किसमें क्या मिलाएंगे और किस के लिए ये गोल्ड संख्या बनी हुई है। गोल्ड संख्या इसलिए बनी हुई है, गोल्ड संख्या किसका होगी, गोल्ड संख्या रक्षी कोलाइड का होता है। रक्षी कोलाइड की वो संख्या, वो ग्राम में मात्रा होगी जो NaCl के मिलाने पर इस द्रव विरोधी कोलाइड का अस्कंदन ना कर सके, वो क्या होगी, रक्षी कोलाइड होगी। अब हमें इसको समझना है, उम्मीद है कि ये तो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। जैसे कि देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो ये एक एक्सपेरिमेंट वैल्यू हमारे बुकों में या जिस इसकी डिफिनेशन में दी हुई है कि यदि आप 10 ml गोल्ड सॉल लेते हैं, 10 ml क्या लेते हैं, गोल्ड सॉल लेते हैं, तो 10 ml गोल्ड सॉल को यदि हम चाहते हैं कि विद्युत अपघट मिलाने पर उसका अस्कंदन हो जाए, तो उस गोल्ड सॉल को अस्कंदन करने के लिए हमें NaCl की 1 ml ज़रूरत होती है। अब देखिए आपके बुक्स में जो डिफिनीशन दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड का उन्होंने 10% NaCl लिया गया है। 10% NaCl का मतलब क्या होता है, 10% NaCl का मतलब ये होता है कि 100 ml बिलियन में NaCl की मात्रा कितनी होगी, 10 ml होगी। 100 ml बिलियन में NaCl की मात्रा 10 ml होगी, यानी आप जानते हैं बिलियन में बिलीय और विलायक होता है, तो यहाँ पर जो बिलीय है NaCl की मात्रा सिर्फ 10 ml है, बाकी 90 ml किसका होगा, विलायक का होगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो इतना मतलब है कि 10 ml जो NaCl, जो 10% NaCl में है, उस 10 ml का सिर्फ 1 ml NaCl जो होता है कहाँ पर यूज़ किया जाता है, अस्कंदन कराने में यूज़ किया जाता है। यानी इस 10% NaCl का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि उस 10% NaCl का सिर्फ 1 ml जो होता है अस्कंदन कराने में यूज़ किया जाता है। अब देखिए अब क्या है कि यदि हम इस 10 ml गोल्ड सॉल में 1 ml NaCl को मिला देते हैं, तो इस गोल्ड सॉल का क्या हो जाता है, अस्कंदन हो जाता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि NaCl के मिलाने के बावजूद भी ये 10 ml गोल्ड सॉल अस्कंदित ना हो, तो उसके लिए हमें रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में, देखिए यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सब कुछ डाटा दिया गया है, कि रक्षी कोलाइड का मिलीग्राम में वह मात्रा जो क्या करे, 10 ml गोल्ड सॉल में, 10 ml गोल्ड सॉल में सोडियम क्लोराइड के 10% का कितना भाग, 1 ml मिलाने पर, 1 ml मिलाने पर गोल्ड सॉल के अस्कंदन को क्या कर दे, रोक दे, तो गोल्ड सॉल के अस्कंदन को रोक दे, तो यह संख्या क्या कहलाती है, गोल्ड संख्या कहलाती है। उम्मीद है क्लियर तो हुआ ही होगा, क्योंकि देखिए ये NaCl थोड़ा सा
फिर से देखिए, ये NaCl कह रहा है कि हम ये 10 ml गोल्ड साल को क्या कर देंगे, अस्कंदन कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, अस्कंदन कर देंगे। तो रच्छी कोलाई कहता है कि हम तुम्हें होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास हर एक पदार्थ की अपनी रच्छी कोलाइड होती है, हमारे पास मिलीग्राम में वो मात्रा है। यदि हम इस मिलीग्राम की मात्रा इसमें मिला देंगे तो NaCl की हिम्मत नहीं कि 10 ml गोल्ड साल को क्या कर दे, अस्कंदित कर सके। यानी रच्छी कोलाइड क्या करेगा, अपनी मिलीग्राम में मात्रा मिला के, अपनी मिलीग्राम में मात्रा मिला के इस गोल्ड साल का रक्षण कर देगा। यही मिलीग्राम में संख्या ही क्या कहलाएगा, गोल्ड संख्या गाइस कहलाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब देखिए, हम की रीडिंग कर लेते हैं बुक से। दिया गया है कि रच्छी कोलाइड की रक्षण करने की क्षमता ही क्या को क्या कहते हैं, सौराग के द्वारा मापा जाता है। अब देखो, जिगमंडी ने ऐसा डिफाइन किया था, किसी रच्छी कोलाइड का स्वर्णांक यानी स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा है, जो मिलीग्राम में मात्रा होती है जो 10 मिलीलीटर गोल्ड साल में सोडियम क्लोराइड के 10% बिलियन का 1 मिलीलीटर मिलाने पर गोल्ड साल के अस्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है, गोल्ड संख्या कहलाती है। रक्षण क्षमता जो होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्वर्ण संख्या, यानी स्वर्ण संख्या जितनी ज़्यादा होगी रक्षण क्षमता उतनी कम होगी, स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी रक्षण क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो देखिए, अतः स्वर्ण संख्या का मान कम होने पर रच्छी कोलाइड की रक्षण क्षमता क्या होती है, अधिक होगी। यानी थोड़ी सी मात्रा आप मिला दें, स्वर्ण संख्या की थोड़ी सी मात्रा जो है उसकी यदि रक्षण ज़्यादा करती है तो उसकी सामर्थ्य क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे साल दिया है, ध्रुव स्नेही साल जैसे जिलेटिन का दिया है, इतना बहुत ही कम दिया है, और यहाँ पर आलू का स्टार्च 25 दिया है। तो जिलेटिन की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर किसी भी ध्रुव विरोधी कोलाइड का रक्षण हो जाता है। तो जिलेटिन कहीं ना कहीं सबसे अच्छा पदार्थ कहलाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम है, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या क्या है, सबसे कम है, अतः यह एक अधिक प्रभावशाली क्या होता है, रच्छी कोलाइड होता है। जिसकी स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा क्या कहलाएगा, उतना ही अच्छा प्रभावशाली रच्छी कोलाइड कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको क्लियर होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।